नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे। पाई चार्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको एक एक डायग्राम लेकर के बताया था। आज का जो केस होगा ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में आपको हम बताएंगे कि जब दो डायग्राम दे देता है, मतलब दो पाई चार्ट दे देता है, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पाई चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। अभी आपको इसके बाद एक और आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो रेशियो पे होगा, अनुपात में दिया होगा, उसको सॉल्व करवा देंगे तो जाकर के पाई चार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये दो पाई चार्ट दे रखे हैं। एक सन 1981 मतलब कि 1981 का एक केस और एक 1995 का केस है, ठीक है। और कुल कार्यबल, जो कुल कार्यबल है इसमें 150 बिलियन है मिलियन है, और इसमें कुल कार्यबल जो है 175 मिलियन है, ठीक है। बाकी इसमें दे रखा है कि कौन कितना कार्य कर रहा है, बाकी इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमें सॉल्व करना है। तो हम बात करते हैं इसमें, देखिए क्या क्या दे रखा है। कहा कि ब्लू कलर वाले 28% है, खेती करने वाले 1% है, सेवा वाले 15% है, व्यावसायिक वाले 18%, प्रबंधी 10%, विक्रय 8%, लिपिक वर्गी 20%, ठीक है ना। इसी तरीके दूसरे डायग्राम में ब्लू कलर वाले 20%, खेती वाले 2%, सेवा वाले 16%, व्यवसायिक वाले 24%, प्रबंधी वाले 13%, विक्रय वाले 7% और लिपिक वर्ग वाले 18% है, ठीक है ना। सन 1981 में कुल कार्यबल 150 मिलियन है और कुल कार्यबल यहाँ पे 1995 वाले में 175 मिलियन है। तो तुरंत हमारा पहला काम क्या, हमने आपको बताया था, क्योंकि आपके स्लाइड होते हैं, आजकल ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो स्लाइड में क्या होता है कि हमें बार बार स्लाइड को बार बार वहाँ पे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम पेपर पे सीधे सबका अलग अलग लिख लेते हैं कौन कितना बिलियन है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं 150 मिलियन की बात कर रहा है, हमने क्या बताया था आपको परसेंटेज मतलब बटे में 100, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर कितना है 28%, तो 150 का 28%, 28 बटे कितना कर दीजिए 100, जीरो से जीरो कट गया, क्लियर। दो से काट दीजिए, 2 5 10 और 14 2 9 28, 5 3 15 यानी 14 2 42, यानी 42 मिलियन जो है, 42 मिलियन क्या हो गए, ब्लू कलर वाले लोग हो गए, ठीक है, कार्यबल। इस तरीके से हम इसका 1% निकालेंगे, तो 150 का 1%, 150 मिलियन का 1% जब हम निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे 1.5 मिलियन आ जाएगा। तो खेती करने वाले लोगों का कितना कार्यबल है, 1.5 मिलियन। उसी तरीके फिर हम किसका निकालें, सेवा का, तो 150 का सेवा कितना परसेंट है, 15%, तो 15 बटे क्या कर दें हम, 100, 0, 0 कैंसिल है, 5 3 15, 5 2 9 10, यानी 45/2 मतलब 22.5 मिलियन, यानी 22.5 मिलियन कौन है, सेवा करने वाले, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या निकाल लें, 18% व्यवसायिक है, तो 150 मिलियन में 18% मतलब 100, 0, 0, 5 3 15, 5 2 9 10, 9 2 9 18, 9 3 27, यानी 18 वाले कितने हो गए, 27 मिलियन कौन हो गया, व्यवसायिक। इसके बाद प्रबंधी निकाल लें, 150 का आपको पता ही कि 10% 15 होगा, बट निकाल के चेक कर लीजिए, 0 0 कट गए, कितना आ गया 15 मिलियन, यानी ये कितना आ गया 15 मिलियन। फिर इसी तरीके 150 का फिर कितना निकाल लीजिए, देखिए ये कितना है 8%, तो 8 बटे कितना कर दीजिए, 100, 0 0 काट दीजिए, 5 3 15, 5 2 9 10, 2 4 8, 4 3 12, 12 मिलियन आपका ये हो गया। इसी तरीके हम निकालेंगे 20%, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा, 30 मिलियन, क्लियर। तो आपको सभी का पता चल गया कि संख्या कितना है, कार्यबल कितना है, अलग अलग लोगों का। ब्लू कलर वाले का कितना कार्यबल है, 42 मिलियन, खेती वाले का 1.5 मिलियन, सेवा वाले का 22.5 मिलियन, व्यवसायिक का 27 मिलियन, प्रबंधी का 15 मिलियन, विक्रय का 12 मिलियन और लिपिक वर्गी का 30 मिलियन, क्लियर। इसी तरीके से आप लोग क्या करिए कि जस्ट 1981 का हमने निकाल लिया, 1995 का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब 1995 का निकाल के हम देख लें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताना है तो हम ऐसे बता रहे हैं। ब्लू कलर देखिए 175 का 20%, 175 का 20%, तो 20/100, 25 4 100, 25 7 175, 4 5 20, 5 7 35, तो ब्लू कलर वाला कितना हो गया 35 मिलियन। खेती 2%, 175 का 2% निकाल दीजिए, 25 7 25 4 2 2 9 4 मतलब 3.5 मिलियन, यानी 3.5 मिलियन कौन आ गया, खेती, 3.5 मिलियन आपका क्या आ गया, खेती। जस्ट इसी तरीके से आप निकाल लीजिए सेवा, तो
175 गुणे सेवा कितना है, 16%, 16/100, ये 7 और ये 4 चौक के 16, 7 चौक 28 मिलियन। तो सेवा आपका कितना हो गया, 28 मिलियन। ठीक है, फिर 175 का आप निकाल लीजिए कितना, 24%, ये 7 और ये 4, 4 छक्का 24, यानी कि 42 मिलियन। इसी तरीके से प्रबंधी का निकाल लीजिए, 175 गुणे प्रबंधी कितना है, 13/100, 7, 4, 91/4, ये तो आएगा 13, 7, 91/4, 4 दुना के 8, 4, 7, 28, 4, 5, 20, 22.75 मिलियन। 175 का 7/100, तो 7/4, 49/4, 12.25, 12.25 क्या मिलियन आ गया, आपका विक्रय आ गया। लिपिक वर्गी निकाल लीजिए, 175 का 18/100, 25, 7, 25, 24, 2 दुना 4, 2, 9, 18, 63/2, यानी कि 31.5%, 31.5 मिलियन, सॉरी। ठीक है ना, अब हमें सबका राशि, सबका हमें कार्यबल पता चल गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे हमने कैसे सबका कार्यबल निकाल डाला। क्लियर, देखिए सब कुछ हमारे पास हो गया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश यक्स, ये मतलब एक देश है यक्स, कहा है कि कार्यबल 1981 से 1995 तक की लिपिक वर्गी कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि है। तो लिपिक वर्गी में चले जाइए, लिपिक वर्गी कितना है, 30, यहाँ पर सन 1981 में 30 मिलियन है और यहाँ पर लिपिक वर्गी कितना, 31.5 मिलियन है। तो कितना अधिक है बताइए, 1981 से 1995 कितना अधिक है, तो 31.5 मिलियन में से 30 मिलियन घटा दीजिए, 1.5 मिलियन, तो पहले का आंसर कितना हो गया, 1.5 मिलियन। क्लियर, ऐसे निकालने से आप बहुत ही आसानी से, चाहे क्वेश्चन जितना भी बने, आप आसानी से इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कहा है हमसे, देश यक्ष के कार्यबल में, देश यक्ष के कार्यबल में 1981 से 1995 तक ब्लू कलर कार्यकर्ताओं की संख्या में कमी पूछा है। एक बात देखिए, 1981 में ब्लू कलर कितना है, 42 मिलियन और यहां कितना है, 35 मिलियन। क्लियर, कितने यहां पर है, 42 और यहां कितने हुए, 35, कमी पूछा है। तो 42 में से 35 घटा दीजिए, कितना आया, 7 बचा, बटे कितना था टोटल, 42 अगुणे क्या कर दीजिए, 100, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 तिहाई 6, 50 दुना के 100, 50/3, इसको लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 सही 2/3% क्या आ गया हमारा, कमी। तो दूसरे का आंसर कितना हुआ, 16 सही 2/3% आपका ये क्या है, आंसर है। क्लियर, बस कुछ नहीं किया, देखिए ये 42 था, ये 35 था, कितना अधिक है मतलब ये कितना कम है, 7 कम है, टोटल कितना, 42, तो बटे 42 गुणे क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया। क्लियर, गुड, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है हमसे कि सन 1981 में कार्य बल में सेवा कर्मियों की संख्या कितने मिलियन थी, कार्यबल में सेवा कर्मियों की संख्या कितनी थी, देख लीजिए सेवा कर्मियों की संख्या किसमें, सन 1981 में, मतलब 1981 में कितनी थी, 22.5 मिलियन, यानी इसका आंसर कितना हो गया, तीसरे का आंसर कितना हुआ, 22.5 मिलियन संख्या थी। क्लियर, कितना, 22.5 मिलियन, तीसरा हो गया। चौथा, 1981 में उन कोटियों की संख्या कितनी है जिनमें काम करने वालों की संख्या 25 मिलियन से अधिक है, 1981 में हमें उन लोगों की संख्या बतानी है जिनकी कार्य बल जो है वो 25 मिलियन से अधिक है। देखिए 25 मिलियन से कौन कौन अधिक है,
देखिए एक 42 अधिक है मतलब ब्लू कलर वाला है एक, यहाँ पे लिख लीजिए ब्लू कलर एक। दूसरा क्या है आपका, किससे अधिक, 42 से अधिक। 42 से अधिक अब कौन है, 30 लिपिक वर्ग है आपका, लिपिक वर्ग हो गया आपका। इसके बाद कौन है भैया, किससे अधिक, 25 से अधिक, यह है नहीं, यह है नहीं, ये आ गया व्यावसायिक। तीसरा आपका क्या है, व्यावसायिक, क्लियर। बस तो देखिए एक ये अधिक है, एक ये अधिक है, एक अधिक है ये, यानी कुल कितने अधिक है, तीन अधिक है। तो 1981 में उन कोटियों की संख्या कितनी है, तीन। कितनी संख्या है, तीन। आंसर इसका कितना हो गया, तीन। चौथा भी क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, 1981 में व्यावसायिक कोटि में काम करने वालों की संख्या 1995 में वही काम करने वालों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 1981 में व्यावसायिक कोटि कितना है, 27 मिलियन। 1981 में 27 मिलियन है और 1995 में व्यावसायिक में कितने हैं आपका, 42 मिलियन है। बस यही अनुपात हमसे पूछा है, तो 27:42 काट दे इसको, 3 9 27, 14 3 42, यानी 9:14। इसका आंसर कितना हो गया, 9:14, क्लियर। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि जो भी डायग्राम देगा उस डायग्राम को जैसे हमने सॉल्व किया है पहले वैसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको केवल आप क्वेश्चन को देखते देखते प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे कि आप क्वेश्चन आप मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करिए जरा। ब्लू कलर के जगह पे हटा करके हमने कर दिया है विक्रय, विक्रय कार्यकर्ताओं की संख्या में कमी, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लीजिए 1995, 1995, 1995, ठीक है, 1900, ठीक है 1981 रहने दीजिए, ठीक है। व्यावसायिक कोटि के जगह पे हम आपसे अनुपात पूछना चाह रहे हैं, व्यावसायिक कोटि की जगह पे हम आपसे व्यवसाय का पूछना चाह रहे हैं, प्रबंधकी की, प्रबंधकी की ना, प्रबंधकी में काम करने वालों का अनुपात आपसे हमने पूछा है, क्लियर। तो आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और इसे एक और क्वेश्चन बना लीजिए, लिपिक वर्ग की जगह लिख लीजिए सेवा, आपको सेवा के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो आपको हम दो दो टेबल लेकर के भी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप इसका अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ दो और वीडियो दे रखे हैं वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ओके, धन्यवाद।